Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Atrey and I make videos related to makeup, skincare, beauty hauls, etc. So if you're interested in watching such content, make sure to subscribe to my channel. Now without any further ado, let's get started. I know आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना decked up होके मतलब generally मैं ऐसा decked up होके बैठती नहीं हूँ इतना but ये जो मेकअप है जो मैंने किया है ये अंडर ₹500 है mostly अंडर ₹400 है और ये मेरे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो कि यू नो मैंने एक बार रिव्यू कर चुकी हूँ मैं इनका बट आई एम ट्राइंग दीज प्रोडक्ट्स सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फॉर द सेकंड टाइम एंड कुछ कुछ तो मेरे स्टेबल फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने उसी से ये वाला लुक क्रिएट किया है इसमें मैंने आपको टू लिप ऑप्शन भी दिया है सो दैट अगर किसी को रेड पसंद है तो वो रेड लगाए किसी और को कुछ और पसंद है तो वो लगाए एंड काफी ईजी पीजी मेकअप लुक है नो लैशेज नो झंझट आई मीन बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है एंड वन मोर थिंग मैंने इसमें क्रीम प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स है ना वो मेरे ऊपर गर्मियों में इतने वर्क नहीं करते हैं ऑब्वियसली फाउंडेशन जो था वो मैंने मैट यूज किया है कंसीलर भी काफी क्रीमी है बट देन उतना नहीं कि यू नो मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर सारे आपको स्वेट प्रूफ प्रोडक्ट मिलेंगे आई मीन हाँ एक सेटिंग स्प्रे लगाया है मैंने थोड़ा सा डूबीनेस देगा वो भी जरूरी है हमारे स्किन के लिए बट मोस्टली मैंने इसके अंदर पाउडर प्रोडक्ट्स यूज किए हैं इसी वजह से क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़े से ज्यादा यू नो स्वेट इफेक्टिव होते हैं ट्रांसफर प्रूफ होते हैं तो अगर आपको वैसा लुक चाहिए तो यू कैन क्रिएट दिस वन एंड दिस जस्ट लुक्स अमेजिंग आई फील ना तो केकी लग रहा है ना कुछ ये आप इजिली नाइट टाइम पे तो बहुत ही इजिली पहन सकते हो अगर आपको डे टाइम के लिए करना है तो आप थोड़ा सा यू नो लिपस्टिक थोड़ा दूसरे कलर का लगा लो इट विल लुक अमेजिंग एंड थोड़ा सा मैंने स्मोकीनेस भी क्रिएट किया है विद काजल काफी इफेक्टिव एंड बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स यूज किए हैं मैंने इसमें सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग कीप ऑन वॉचिंग एंड पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करना कॉमेंट करना शेयर कर देना नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड तो गाइज सबसे पहले मैं ना ये मार्स का कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर है ये अराउंड माई माउथ क्योंकि मेरे माउथ के अराउंड थोड़ी सी ग्रेनेस आ जाती है सो मैं बहुत ही कम यूज करूंगी ऑल दो मैं अंडर आईज पे नहीं कर रही हूँ एंड मैं अपने फिंगर्स से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी इससे क्या होगा फाउंडेशन जब आप लगाओगे ना तो वो फाउंडेशन ग्रे नहीं टर्न होगा कई बार काला पड़ जाता है फाउंडेशन तो कलर करेक्ट करने से आपका फाउंडेशन काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा तो ये स्टेप आप जरूर ऐड करना उसके बाद मैं बेला वास्ते का ये फाउंडेशन ले रही हूँ सारे शेड्स एंड एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो प्लीज उसको चेक कर लेना ये थोड़ा सा येलो है मेरे स्किन पे बट ये काफी मैट फिनिश देता है तो आपके आपके जो अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेट की प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल उसको क्योर कर देगा एंड काफी येलो है थोड़ा टाइम लगता है ब्लेंड करने में काफी अच्छे से मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी मैंने अभी प्राइमर यूज नहीं किया है क्योंकि जानबूझ के क्योंकि मैं बस फाउंडेशन ही यूज करना चाहती थी जितने कम स्टेप हो सकते हैं मैं वही यूज करना चाहती हूँ सो दैट आप लोगों के लिए ईजी हो ये रिक्रिएट करना एंड प्लीज अपना टाइम लेके अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके आप यू नो ब्लेंड करना अपना फाउंडेशन देन मैं यूरोप गर्ल पेरिस का ये किट लेके मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है आईब्रोज फिल करना मैंने नहीं दिखाया है इसमें उसके बाद मैंने ये पर्पल का कंसीलर लिया है अगेन मैं हाईलाइट करूंगी एंड थोड़ा सा आईलिट्स के ऊपर भी ले लूंगी क्योंकि हम वैसे भी आई शेडो यूज करेंगे तो यू नो थोड़ा सा कलर करेक्ट हो जाएगा इससे एक बेस मिल जाएगा अच्छा सा हमारे आई शेडो को एंड इस तरीके से मैं कंसीलर जहां लगा रही हूँ आप देखेंगे मैं बहुत ही कम कंसीलर ले रही हूँ ज्यादा नहीं ले रही हूँ एंड अगेन इसको ब्लेंड करने में आप अपना टाइम लीजिए जितना टाइम लोगे आप ब्लेंड करने में उतना ही फ्लॉलेस आपका बेस दिखेगा एंड मैं इसी तरीके से इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ एज यू कैन सी हियर सो या ये जो है काफी अच्छा लाइट है तो मेरे लिए ये अच्छा बेस का काम करता है हाईलाइटिंग शेड है मेरा फिर मैं इसको सेट करने के लिए अपने फेस को अंडर आईज को सेट करने के लिए ब्लू हेवन का पाउडर ले लूंगी काफी इनएक्सपेंसिव और काफी सही पाउडर है ये अंडर आईज को सेट करूंगी एंड अराउंड माई माउथ मैं सेट करूंगी पूरे फेस को मैं सेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे जहां जहां मुझे स्वेट आता है ऑयल आता है मैं सिर्फ वहीं वहीं उसको सेट करूंगी तो मैं अभी कफ्स एंड लैशेस का कपी केक ब्रॉन्जर ले रही हूँ एंड अच्छे से ब्रॉन्ज कर लूंगी एक्चुअली ये मेरे कॉन्टोर का भी काम करता है सो या आप इसको स्किप कर सकते हो बट मेरा फेस काफी बड़ा है तो मैं इसको यूज करना प्रेफर करती हूँ ताकि इससे मेरा फेस थोड़ा छोटा दिखता है तो इसको मैं अच्छे से अपने फेस को काव आउट कर लूंगी आप देखेंगे यहाँ पे आप चाहे तो इसको स्किप कर देना थोड़ा सा नोज के साइड पे भी लगा दूंगी एंड इसके बाद मैं लगाऊंगी ये एक सेटिंग स्प्रे जो कि थोड़ा सा डूवी सा सेटिंग स्प्रे है एंड काफी अच्छा सा एक फिनिश देता है फेस को
सो या इसको लगाने के बाद थोड़ा सा मैं डैप कर लूंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ताकि जो भी एक्सेस है वो हट जाए. एंड या दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर. प्लीज अपना टाइम लेके करना ये सब. देन मैं यहाँ पे ब्लश लगाऊंगी, कोरली ब्लश है. सो काफी अच्छा सा एक इफेक्ट देता है कोरल कलर का ब्लश है, स्विस ब्यूटी का. काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है. तो मैं इसको ऊपर की तरफ लगाऊंगी ताकि मेरे फेस को ये एक अच्छा सा चिजल्ड सा लुक दे दे. देन मैं यहाँ पे NYBA का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ. इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे यूज करूंगी, चीक्स पे. अगेन हाईलाइटर भी आप स्किप कर सकते हो, बट मुझे हाईलाइटर पसंद है तो मैं लगा रही हूँ. बट इफ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली स्किप इट. देन मैं यहाँ पे ये निका के का आई शेडो पैलेट है. मैं बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप करने वाली हूँ सो दैट अगर आप बिगिनर हो आप इसको बहुत ही ईजिली रिक्रिएट करोगे. मैं ब्राउन सा शेड लेके अपने क्रीज पे लगा लिया है एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा एक डार्क शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर को मैंने थोड़ा सा डार्कन कर लिया है. देन यहाँ पे मैंने एक कॉपरी शेड लेके अच्छे से अपने आईलेट्स पे लगा लिया है. देन मैं यहाँ पे NYBA का काजल ले रही हूँ. थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे लेके मैं इसको स्मच करूंगी एंड उतना ही थोड़ा सा ऊपर भी लगाऊंगी एंड स्मच करते हुए बिल्कुल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं बाहर की तरफ विंग को निकालूंगी. तो इससे काफ़ी अच्छा सा स्मोकी सा यू नो सल्ट्री सा इफेक्ट आता है. सो यू विल सी दैट इट लुक्स अमेजिंग बाय द वे. यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैपटॉप में मैंने कुछ लगा रखा था सो आई एम वॉचिंग दैट इज वेल. देन यहाँ पे कोई फॉल्सीज नहीं है. मैंने यहाँ पे मस्कारा लगाया है NYBA का. इस तरीके से मैं अच्छे से कोट कर लूँगी अपने लैशेस को. मैं यहाँ पे आपको टू लिप ऑप्शन दूंगी. ये एक NYBA का ही लिपस्टिक है, स्नगल सीक्रेट. तो जिनको रेड नहीं पसंद, जिसको ब्राउन पसंद है, वार्म टोन्स पसंद है, दे कैन गो फॉर दिस वन. एंड आई रियली लव दिस कलर. बट होता है ना कई बार आपका मन करता है यू नो फेस्टिवल्स पे थोड़ा सा रेड लगाने का. सो फर्स्ट ऑप्शन तो ये वाला है. And this is the second option. All right, guys, that was about it. I hope you guys enjoyed. And Eid Mubarak, aap sabko. एंड यहाँ आपको अगर ये लुक पसंद आया हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा. एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू गाइस टेक केयर. बाय.